आपके मेरे साथ जबरदस्ती मत कर देना। आया फ्रेंड्स, एक बात बताओ, किसी को अगर जबरदस्ती पकड़ के 6 महीने साल 2 साल पकड़ के नहला दे जाए, वो भी जबरदस्ती, तो भाई कैसा लगेगा? नई आदत नहाने की भाई, आपको तो अच्छा लगेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। अरे बस करो। फ्रेंड्स, पता है कि मेरी इतनी ताली की बज रही है, आज आपको भाई नहाक आया है। नहाक है मतलब वो बात अलग है, जबरदस्ती पकड़ के हिला दिया, लेकिन आया तो नहाक है। तो फ्रेंड्स, ताली बजा दे यार थोड़ी सी। बस, इतनी खुशी, मैं दुआ ना नहाने का, वो बात अलग है, जबरदस्ती पकड़ के हिला दे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो हम क्या उखाड़ने वाले हैं, आपको ये थंबनेल में देख के पता लग गई होगी। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आने वाला, यकीन मानिए फ्रेंड्स, सारी की सारी चीजें डेली लाइफ में बहुत यूज होंगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पर। चलिए, समर एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट पर आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ले लेगी 9 सेंटीमीटर का पीवीसी का पाइप और 2 इंच इसका डायमीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी प्रोपेलर पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोपेलर बनाने के लिए जो स्प्रे कैन होती है पुरानी मेरे पास पड़ी, तो मैं इसका यूज करूंगा और इसकी शीट बनाऊंगा इसको कट करके। तो भाई, ये रही शीट और यहाँ पे अप्रोक्स 27 mm रेडियस और यहाँ पे बनाते हैं एक सर्कल। इसे मैंने सर्कल में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने इक्वल देख सकते हो 8 लाइन ड्रॉ कर दिए और अप्रोक्स 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 15 mm के करीब मैं इसमें एक सर्कल और बना लूंगा और इसे सिर्फ सर्कल तक ही कट करूंगा। सारी कटिंग हो चुकी है, अब मैं इसे हाथ से मुड़ जाता है, बहुत लाइट होता है, देखिए इस तरह का से बस सारे को बैंड कर दो, बैंड बजा दो सारे की। प्रोपेलर के बिल्कुल मिड में मैंने यहाँ पर होल कर दिया और देखिए इस पर सोल्डिंग भी कर दी है। अब यहाँ पे एक डीसी मोटर ले रहा हूँ और प्रोपेलर और मोटर को मैंने आपस में सोल्डिंग कर दिया। देखिए इस मोटर को मुझे इस पाइप के अंदर फिक्स करना है। तो भाई यहाँ पर रोकेंगे कैसे, चलो रोकने का जुगाड़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पीवीसी पाइप की शीट का एक क्लिप टाइप को बना लिया और देखिए खटाक और खटाक स्टड को लगा दो जो भाई चिपक जाए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर मैंने इसे फिक्स कर दिया है, बहुत ही भाई साहब मजा आने वाला है, बन रही है। यहाँ पे इसे पावर देने के लिए मैं एक डीसी सॉकेट का यूज कर रहा हूँ और इसे ऑन ऑफ करने के लिए एक पुश स्विच का यूज कर रहा हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों चीज चिपका दिए, मैंने ग्लू गन का यूज किया है और देखिए ये लुढ़क रहा है, देखिए क्योंकि राउंड में गोल है। तो फ्रेंड्स, इसे हम रोकेंगे कैसे? तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं 2 पीस यूज कर रहा हूँ, ये मैंने पीवीसी पाइप के बनाए हैं, एक तरह का इसका लेग का काम करेंगे, इसे स्टैंड रखेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बन चुका है जेट फैन, देख सकते हो काफी छोटा सा फैन, काफी अच्छी हवा आपको प्रोवाइड करेगा। चले फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देख लेते हैं। भाई यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ, ये 3 बैटरी लैपटॉप की 18650 और इसमें मैं लगाता हूँ सॉकेट में और देखेगा, देखिए काफी तेज हवा दोस्त, देखिए मतलब यार बहुत तेज हवा, भाई मजा आ गया बिल्कुल। और भाई ये काफी हार्ड पॉलिथीन है, आप देख सकते हो, मतलब आप खुद ही जानते हो, जैसे आप देख सकते हो शेप को और मैं देखता हूँ भाई क्या होता है इसका, मैं इसे खिसका देता हूँ, देखिए कितना प्रेशर है, देखिए चलो मैं हाथ दे रहा हूँ, देखिए तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो भाई इसकी हवा का। और देखिए ये भाग रहा जाएगा क्योंकि फ्रेंड लाइट वेट है काफी, देखिए देखिए फ्रेंड ये थ्रो आगे को इसकी हवा का और ये पीछे को जा रहा है क्योंकि दोस्तों हवा बहुत तेजी, देखिए हाँ तो मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। चलो फ्रेंड्स, ये तो होगा कंप्लीट, अब सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं 2 पेंसिल ले रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये आइडिया नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि फ्रेंड्स आपको काफी अच्छा लगेगा और मुझे नहीं पता फ्रेंड्स ये होने क्या वाला है। भाई एक को रखते हैं साइड में और भाई इसे यहाँ से पूरा एरिया से हम क्या करेंगे, छील देंगे। तो देखिए ब्रो, मैंने ये हाफ हाफ कट कर लिया, देखिए जिससे दोस्तों अंदर जो ग्रेफाइट है ये चमक जाए, देखिए इसके अंदर का अगर फ्रेंड्स पूरा ही ऐसे तो ही हम पूरा शो करना है, देख सकते हो अंदर का जो ग्रेफाइट है जिससे लिखते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इसे पूरा शो करेंगे तो भाई ये टूट जाएगी पेंसिल, ठीक है? तो इसलिए मैंने हाफ हाफ कट किया, थोड़ी सी मजबूती बनी रहे। और यहाँ पे लिए 2 वायर कॉपर में और इसे इस पर लपेट देंगे, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट तो बनता है मेरे दोस्त, लगा दी दोनों पर। अब यहाँ पे ले रहे हो छोटा सा लकड़ी का पीस, इन दोनों को यहाँ पर अच्छे से चिपका देते हैं ग्लू गन से। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पेंसिल अच्छे से चिपका दिए ग्लू गन से। इसे पावर देने के लिए मैं एक 18650 लैपटॉप की बैटरी का यूज कर रहा हूँ और ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच का यूज कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स आपने देखा होगा वीडियो में ज्यादातर कि भाई ये जो वायर लिपटा हुआ जा रहा है ऊपर और जब जाके काम कर रहा है, लेकिन फ्रेंड्स हम अलग ही बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आज, तो फ्रेंड्स आपने नहीं देखा, चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है।
लीजिए फ्रेंड्स कनेक्शन कर दिए, कनेक्शन काफी इजी है, एक स्विच देना है मैंने और यहाँ पर आप चाहे चार्ज मॉड्यूल लगा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है तो भाई पहले करके देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि भाई चार्ज मॉड्यूल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखिए यहाँ फ्रेंड सीधा पेन से लगा दिया, देखिए नेगेटिव पर, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पे देखिए दूसरा वायर गया सीधा पॉजिटिव पर, और यहाँ पे देखिए दूसरा वायर गया सीधा यहाँ पर पेंसिल पर। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में, यहाँ पे ले दें भाई ये जो कि है एलिमेंट सोल्डिंग आयरन का, और इसे हम खोल लेंगे। इसमें से हमें क्या निकालना है काफ़ी मेरे दोस्त समझ गए होंगे जो मेरे पुराने व्यूअर हैं। देखिए इसमें से निकालना हमें नाइक्रोम वायर, भाई सब भरा पड़ा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भरा पड़ा है देखिए, और काफ़ी पतला ही चाहिए हमें, इसमें काफ़ी पतला है देख से अगर शायद आपको अगर दिख जाए तो देखिए। और अब इस नाइको वायर को हम सीधा पेंसिल पर लगा देंगे, अच्छे से टाइट कर दो। लीजिए भाई यहाँ पर नाइको वायर मैंने लगा दिया है, थोड़ा टाइट करके लगाया है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट इसे टेस्ट करते हैं, भाई मैंने बिल्कुल अभी टेस्ट नहीं किया, आपके सामने बिल्कुल लाइव टेस्ट करता हूँ। भाई ये ले लिया मैं थर्माकोल, और देखिए इसका स्विच मैं करता हूँ ऑन, और देखते भाई कट करता नहीं करता है, नहीं कर रहा, देखिए काटने पे भी कट नहीं कर रहा सही से, देखिए फ्रेंड्स काम नहीं कर रहा, मैं चलो पकड़ के देखता हूँ, नहीं देखिए बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा इतना सा भी, लेकिन देखिए पेंसिल हो रही है हल्की फुल्की हीट। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले दोस्तों मैं इसे ज़्यादा वोल्टेज देकर देखता हूँ। तो भाई ये 18 एम्पीयर की बैटरी जो कि मैंने लैपटॉप के थ्रू ही बनाई है, देख सकते हो उसमें सारी सारी बैटरी भरी पड़ी है, और भाई देखते हैं अगर इसे हम दे दें तो इससे चलता है नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस बैटरी को हटा दिया है और इस बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, देखिए एक वायर सीधा लगा दें स्विच से, स्विच ऑन करता हूँ पावर पहुँच जाएगी आगे, और देखिए ये वाला वायर सीधा लगा दें इस पेंसिल पर, अब देखते भाई काम करता नहीं करता, देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए देखते हैं होता ही नहीं होता है, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स क्यों नहीं हो रहा, भाई इसलिए नहीं हो रहा आई थिंक, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों पेंसिल बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फ्रेंड्स हीट में एनर्जी वेस्ट कर रही है, जैसे आप जानते हो देखिए थोड़ा सा हीट ये हो रही है, और फ्रेंड्स हीट जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, और देखिए यहाँ तक पावर पोस्ट लेकिन भाई इतनी नहीं पहुँची जितनी इसे नाइको वायर को चाहिए। तो भाई एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, चले फ्रेंड अब नए तरह से ट्राई करते हैं। देखिए इस बार मैंने एक वायर तो सीधा कनेक्ट रहने दिया है, और दूसरा वायर देखिए जो पॉजिटिव है सीधा मैं आ गए इस पेंसिल को यहाँ से बाईपास के सीधा नाइको पर लगाओ, देखते फ्रेंड ये काम करता है नहीं करता है, देखिए यहाँ लगा दिया है और देखते हैं, देखिए काम कर रहा है, देखिए फ्रेंड्स देखिए अब ये काम क्या है, देखिए मैं दोबारा ट्राई कर दिखाता हूँ आपको, ये हटा लेते हैं, देखिए यानी कि 18 एमपी की बैटरी भी इसमें अच्छे से काम नहीं कर रही है दोस्त, देखिए अब बिल्कुल ओके ठीक काम कर रहा है। तो फिर आप अच्छी तरह जानते हो हीट में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, और ये पेंसिल हीट हो रही हैं लेकिन नाइको वायर तक पावर अच्छे से नहीं पहुंच पाई जितनी इसे पावर चाहिए, तो फ्रेंड इसलिए लोग इसे नहीं बना पाते इस तरीके से। इसलिए फ्रेंड्स आपने यूट्यूब पर ज़्यादा देखा होगा भाई यहाँ पे वायर लपेट कर इसे लोग बनाते हैं मोस्टली, आप यूट्यूब पर देख सकते हो वीडियो बहुत सारी। तो फ्रेंड्स आप इसे ट्राई मत कीजिएगा, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया, आप अगर इसे बनाए तो दोस्तों यहाँ पर वायर लगाकर इसको बनाए। तो आया फ्रेंड्स ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा, कुछ नई नॉलेज आपको मिली होगी इस तरह काम करता है नहीं करता है। चलो फ्रेंड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पापा की एक आदत है कि वो अपनी बाइक में जो डिग्गी होती है ना वो जरूर लगाते हैं। तो देख सकते हो उसका जो फ्रेम होता है पाइप का लोहे का इस तरह का होता है, तो ये काफी पुराना है, तो फ्रेंड्स ये आज हम यूज में लेंगे। फ्रेंड देखिए ये इसका कंप्लीट हिस्सा तो नहीं लेकिन काफी सारा हिस्सा है, और फ्रेंड्स आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं किस किस भाई के पिताजी फादर अपनी बाइक में डिग्गी लगवाते हैं या लगवा रखी है, अगर फ्रेंड बाइक चेंज करते हैं तो भी नई डिग्गी लगवाते हैं। चलिए फ्रेंड अब काम पे चलते हैं, तो इसमें से थोड़ा सा पार्ट कट कर लेते हैं। इसमें करते हैं होल, तो लीजिए फ्रेंड्स मैंने इसमें 3 होल इधर और 3 होल इधर कर दिए हैं, देखिए यहां से थोड़ा पिचका दिया है, अब देखिए फ्रेंड्स काफी रस्ट इस पर लगा हुआ है, थोड़ा सा चमका देते हैं। तो लीजिए बॉस यहाँ पे मैंने चमका दिया और काफी अच्छा लग रहा पहले के मुकाबले। यहाँ पर मैं एक सोल्डिंग आयरन की बिट ले रहा हूँ, ये 60 वाट सोल्डिंग आयरन की बिट है और मैं इसे इसके अंदर फंसा दूंगा। वैसे दोस्तों अगर आपके पास 35 वाट का सोल्डर है जो कि नॉर्मली यूज करते हैं, अगर उसकी बिट होती तो फ्रेंड वो काफी आसान लगती, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर उसमें एक जगह होती है उसे आप स्क्रू से टाइट कर सकते हो, लेकिन भाई इसमें टाइट नहीं कर सकते फिलहाल मेरे पास, ये बाहर लॉकडाउन लगा तो फ्रेंड्स मैं इसे यहाँ पर कुछ और तरीके से यहाँ पे इसे फिक्स करूंगा। और देखिए इस बिट को इस तरीके से रोक दिया है काफी टाइट करके। तो चले फ्रेंड्स अब आते हैं इसका काम पे, वैसे काम क्या है आपने काफी वेट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे ले रहा हूँ एक टॉर्च और एक ब्यूटेन सिलेंडर जो कि देख सकते हैं यहाँ पर ब्यूटेन गैस का सिलेंडर है, और इसे इसके अंदर लगाता हूँ, देखिए लग गया। तो चले फ्रेंड फटाफट टेस्ट करते हैं, पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ,
थोड़ा बहुत कम लो रखे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम लो पे भी काम हो जाएगा। चलिए अब लगा के देखते हैं इसे, और भाई इसे लगाते हैं यहाँ पर, देखिए बस लग गया, बढ़ा सकते हो। देखिए अब आपको आवाज़ आ रही होगी। चले भाई देख ले भाई, ये गर्म होता है नहीं होता है। देखिए यहाँ से देखिए, थोड़ा देखिए, ये देखिए हीट निकल रही है यहाँ से, और देखते भाई कितनी जल्दी गर्म होता है। देखिए हीट हो गया। ये फ्रेंड्स एक नए तरह का सोल्ड लगा, मैं ओवरकम कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी तेज़ हो चुका है। देख सकते हो, देखिए पैंट कितना हीट हो चुका। ये पैंट किस लिए बनाया है देखिए दोस्त, जैसे पैंट कभी कभी काफ़ी मोटे मोटे तार होते हैं, वायर होते हैं, उन पर सोल्डिंग नहीं हो पाती, तो देखिए आप इसे बहुत अच्छी तरह सोल्डिंग कर सकते हो। देखिए मैं इस तरह का दिखाता हूँ, देखिए बहुत ही मस्त तरीके से सोल्डिंग हो रही है, बिल्कुल बढ़िया कर रहा है। देखिए बहुत मैंने कम चला रखा है, मैं पहले से भी कर देता हूँ सोल्डिंग। और देखिए मैं सोल्डिंग होल लगा देता हूँ, देखिए देखिए दोस्त क्या बढ़िया सोल्डिंग, देखिए क्या बढ़िया वायर पर सोल्डिंग हुई, देखिए बिल्कुल नहीं टूटेगा। और इसे बंद कर देते, देखिए क्या मस्त जुगाड़ है फ्रेंड्स। मुझे लगता है हमने एक भी ऐसा सोल्डिंग नहीं छोड़ा दोस्त जो हमने बनाया ना हो। ये फ्रेंड नए तरह का सोल्डिंग बना है, और मैं इसे निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा आराम से पकड़ निकालिए। देखिए ये काफ़ी हीट हो रहा है भाई, इसे पकड़े मत ना फ्रेंड्स। ये एक एक्सपेरिमेंट था, प्लीज़ इसे घर पर ट्राई ना करें, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसा भी काम हो सकता है। तो चलिए भाई इसे पानी में डाल के देखते हैं। देखिए ये बड़ा हीट भाई साहब हो गया ठंडा। तो फ्रेंड इसका एक बहुत बड़ा फायदा था, आयो फ्रेंड्स आपको भी लगेगा दोस्तों, जो सोल्डिंग आ रहा था उसकी एक छोटी सी लिमिटेशन होती है दोस्तों, वो एक लिमिट तक ही सोल्डिंग कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इसकी कोई लिमिट नहीं, 10 mm 20 mm तक आप आराम से इसका बिट का साइज बढ़ा लीजिए, कितने मोटे फ्रेंड्स आप वायर पर सोल्डिंग कर सकते हो, और वो फ्रेंड्स बहुत आसानी से कहीं भी ले जाकर। तो फ्रेंड्स आई होप ये जुगाड़ भी आपको अच्छा लगेगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज दोस्तों मुझे भी बताएं इनमें से कौन सा आइडिया को ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।